दे दें, सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे इस वक्त लद्दाख पहुंचे हैं। ये एक दिन का उनका दौरा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, भारत और चीन के बीच लगातार टकराव जारी है और चीन की सेना की ओर से जो ये मूवमेंट हुई, जो वहां पर पैंगोंग सो के दक्षिणी इलाके पर जिस तरह से कब्जा जमाने की कोशिश की चीन ने, उसके बाद ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से टकराव लगातार पिछले दिनों जारी रहा, वो खुद लद्दाख पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख गए थे। और ये दौरा भले ही एक दिन का हो, लेकिन जो मैसेज होता है वो बहुत बड़ा होता है इन दौरों का, कि खुद जो सेना प्रमुख हैं वो जाकर वहाँ पर हालात की समीक्षा भी करते हैं। और पिछले दिनों जो अजीत डोवल हैं उन्होंने भी बैठक बुलाई थी और सुरक्षा के हालात की समीक्षा उनकी ओर से की गई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे और सेना के जो तीनों अंगों के प्रमुख हैं वो भी उस बैठक में शामिल हुए थे। और अब सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे इस वक्त लद्दाख पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, भले ही ये एक दिन का दौरा सेना प्रमुख का, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं भारत के लिए भी और चीन के लिए भी, क्योंकि उसके बाद फिर बर्फबारी जो ऊपर के रीचेस हैं, ऊपर की जो पहाड़ियाँ वहाँ शुरू हो जाएगी, रास्ते धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन बहुत ही ये जो दौरा एक दिन का है सेना प्रमुख का, ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि अगले 20 दिन से एक महीना जो है वो बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा है। जिस तरह के तनावपूर्ण हालात भारत और चीन के बीच बने हुए हैं, ऐसे में जो सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे खुद लद्दाख में पहुंचे हैं, और चीन के लिए भी ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर तैयारी पूरी है। और जो लीड करने वाले होते हैं वो किस तरह से पहले हालात की समीक्षा करते हैं, आगे की स्ट्रैटेजी भी बनाई जाती है, ये चीन के लिए बहुत ही स्पष्ट और क्लियर संदेश। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।